नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके के, वो सारे पिछले जो 15-20 सालों में यूपीएससी में जो पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, सारे एक साथ दिए गए हैं। वैसे इसमें दो ही वीडियो है, क्योंकि इन्वायरमेंट का ज्यादातर जो कुछ पोर्शन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी से भी ओवरलैप करता है। इससे पहले आपको हिस्ट्री के पूरे 15-20 सालों के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ज्योग्राफी के दे दिए गए हैं, पॉलिटी के दे दिए गए हैं, इकोनॉमी के दे दिए गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दे दिए गए हैं। तो छह वीडियो जो है पापा वीडियो है ये, किसके किसके फिर से बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री का है पूरा 15-20 सालों का एक ही वीडियो, पॉलिटी का है पूरा एक ही वीडियो 15-20 सालों का, इकोनॉमी का है एक ही वीडियो, साइंस का है पूरा एक ही वीडियो, इन्वायरमेंट का है और ज्योग्राफी का है। तो वो सारे आप वीडियो देख सकते हैं 15-20 सालों में, प्रीलिम्स में है वो सारे क्वेश्चन की सीरीज है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और एक बात और, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम में जो चैनल है उसको जरूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि YouTube में व्यूज जो है ये नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आप हमारे सारे वीडियो के चाहिए तो कम से कम हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। Hey guys, welcome to study for civil services। हम कर रहे हैं 1995 से 2018 तक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सब्जेक्ट रहेगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके दो पार्ट आएंगे। पहला पार्ट ये है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे फ्री ग्रुप और पेड कोर्स चल रहे हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्कटिक रीजन हैज बीन कॉज्ड ऑफ कंसर्न। देखिए, ओजोन जो डिप्लीशन है वो एंटार्कटिक रीजन में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहे हैं कि रीजन क्या है इसके पीछे। आंसर है हमारा बी। आंसर क्या है? बी, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अब देखते हैं को मिलता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ट्रोपोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, तो वहां नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का बहुत ज्यादा रोल होता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में, यानी कि जहां बहुत कम टेम्परेचर होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट करता है और क्लोरीन हमारा बनाता है। और ये क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है और ओजोन को बहुत तेजी से डिप्लीट करता है। तो यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक एसिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है विथ लो टेम्परेचर। आंसर हो जाएगा हमारा बी, यही रीजन है, एंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टू इंपोर्टेंट रिवर्स, वन विथ इट्स सोर्स इन झारखंड। दो इंपोर्टेंट रिवर है, एक का सोर्स झारखंड है, नॉन बाय डिफरेंट नेम इन उड़ीसा, और उसी रिवर का नाम जो है उड़ीसा में दूसरा नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स होती हैं, उनके लोकल ऑफ रेसिडेंट जो रहते हैं इनहेबिटेंट, वहाँ के लोग उनका नाम देते हैं पर्टिकुलर, या तो कोई फसल में देते हैं या कोई रेनी सीजन में फसल काटने से पहले, फसल बोने से पहले, उस पर्टिकुलर एरिया के बेसिस में। बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ ट्राइब के बेसिस में रिवर्स का नाम है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ये जगह है उड़ीसा मर्ज एट ए प्लेस ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग इनटू द सी। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइट। यहाँ पर साइट के बारे में बोल रहा है कि ये एक वाइल्ड लाइफ भी है, बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरिया भी है। तो ये कौन सा है? आंसर है भीतरकर्णिका। आंसर क्या है? भीतरकर्णिका। भीतरकर्णिका मैंग्रोव्स जो हैं वो वेटलैंड हैं इंडिया के उड़ीसा स्टेट में, और जनरली जो भीतरकर्णिका मैंग्रोव्स हैं वो 650 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। और मेन चीज़ वेटलैंड जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, स्पीसीज बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होती हैं। वेटलैंड में क्या होता है, नाम ही से लग रहा है जैसे दो वर्ड से बना है, वेटलैंड। अब ये वेटलैंड एक ऐसा हम कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है जहां पर बहुत ज़्यादा स्पीसीज जनरली बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर लेती हैं, उनके लिए फेवरेबल यहां पर कंडीशन देखने को मिलती हैं, तो इसको रमसार कन्वेंशन के अंदर भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आंसर है भीतरकर्णिका, कनिका। नेक्स्ट है थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तीन क्राइटेरिया हैं इसमें से, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा रीजन में। इनको हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट? किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी तब बोला जाएगा जहां पर स्पीसीज रिचनेस हो, पहला पॉइंट हो कि बहुत सारी स्पीसीज हो। दूसरा, वेजिटेशन डेंसिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेजिटेशन डेंसिटी जनरली एक ही स्पीसीज को यहां पर रिफर कर रही है, सिर्फ वेजिटेशन वाली, प्लांट हो गया, फ्लोरा हो गया, सिर्फ इसको। तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो ये हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, अब बचा हमारे पास सी और डी। देखिए,
वन सही है तो आंसर डायरेक्ट हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं। थ्री का एंडेमिज्म मतलब पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत सारी स्पीसीज होना या पर्टिकुलर लोकेशन के बेसिस पे एग्जिस्ट करना। और फिफ्थ है थ्रेट परसेप्शन, जहां पर रिचनेस स्पीसीज रिचनेस है तो वहां पर थ्रेट परसेप्शन भी होता है कि वहां एलिमिनेट ना हो जाए, ऐसी स्पीसीज डिसअपेयर ना हो जाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट वन, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना। द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, देखिए जो हिमालयन रेंज है बहुत ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसके पीछे या इस पर्टिकुलर फिनोमिना या ये क्यों है कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज मिलती हैं, आंसर है हमारा बी। यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिमालय और इसके एडजॉइनिंग जो एरिया हैं यानी कि जो हिमालयन को टच करते हैं वहाँ पर बहुत सारी सेवरल बायोजियोग्राफिकल रेलिम्स देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग फॉरेस्ट टाइप होंगे, जैसे टेसिडियस हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, तो बहुत सारे फॉरेस्ट टाइप भी देखने को मिलते हैं, और इवन जू बायोजियोग्राफिकल रीजन भी होता है यानी कि एनिमल्स भी बहुत काइंड के मिलते हैं, तो बायोजियोग्राफिकल जोन से यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है यानी कि देखने को मिलता है, आंसर हो जाएगा बी। देर इज ए कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, बहुत ज़्यादा एल्गी होने का कारण क्या है, अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है तो एल्गल ब्लूम होते हैं, और एल्गल ब्लूम क्यों इतने ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, देखिए एल्गल ब्लूम अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये ऑक्सीजन जो होती है उसको कम कर लेते हैं, ऑक्सीजन को खुद एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी कि जितनी भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके लिए जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिल पाती है। तो व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर फॉर दिस फिनोमिना, एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो कॉजेटिव फैक्टर क्या है, पहला डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम एस्चुरीज, यस बहुत ज़्यादा एस्चुरीज से, एस्चुरी जनरली क्या होगी एक ऐसी ये डेल्टा लेके आती हैं, ये रिवर हो गया, और मेन ये जो एस्चुरीज होती हैं ये सी से मिलती हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रेंट लेके आती हैं तो एल्गल ब्लूम के लिए बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। दूसरा रन ऑफ फ्रॉम लैंड ड्यूरिंग द मॉनसून, यस एक लैंड भी हट जाना, सेडिमेंट हट जाना एक जगह से, तो ये एल्गल ब्लूम का कॉज है। अपवेलिंग इन द सी, न्यूट्रेंट ऊपर आ जाना भी एल्गल ब्लूम का कॉज है, और ये हार्मफुल होते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन 1, 2, 3 आर राइट आंसर्स। तो एल्गी जो है मल्टीप्लाई करता है जहां भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, तो ये तीनों कारण है कि एल्गी जो है बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिक एक्शन, हमें बताना है विच ऑफ द अबव एड कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ, इनमें से कौन हमारे अर्थ में कार्बन जो है ऐड करता है कार्बन साइकिल में। सबसे पहला जो ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को हम डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस करा जाता है प्लांट द्वारा वो रिमूव करता है 120 बिलियन टन कार्बन को पर ईयर, एक साल में 120 बिलियन टन को रिमूव करता है, तो फोटोसिंथेसिस तो डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो रिमूव करता है ना कि कार्बन ऐड करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन यस, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यस, वॉल्केनिक एक्शन, ये तीनों में ही हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंडी एंड सैलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीसीज, के बारे में बता रहे हैं कि वो सैलिनिटी वाले एरिया में रहता है। द एनिमल हैज नो प्रेडेटर, एनिमल को कोई खाने वाला नहीं है उस एरिया में, फिर भी उसकी एग्जिस्टेंस में खतरा है, यानी कि जो एग्जिस्टेंस है थ्रेटेंड है, कौन कौन से वजह से ये हो सकती है और इसके बारे में तो बात करेंगे, उससे पहले बताना है कि ये कौन सी स्पीसीज है। इंडियन वाइल्ड एस जो है ये स्पीसीज है जो सैलाइन एरिया में रहती है, कोई प्रेडेटर नहीं है। अब मेन चीज क्या है, किस वजह से इसका ये हो रहा है, देखिए सैलिनिटी में होता है तो जो सॉल्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो फैक्ट्रीज बनाते हैं, तो इस वजह से उसकी लाइफ थ्रेटन है। दूसरा यहां पर देखने को मिलता है कि जो इंडियन वाइल्ड एस की जो स्पीसीज हैं उसमें बहुत ज्यादा डिजीजेज देखने को मिली, तो ये जो स्पीसीज है इस वजह से भी खतरे में है, हालांकि कोई प्रेडेटर ना होते हुए भी, एक तो डिजीज का कॉज है और सैलाइन एरिया में रह रहा तो बहुत सारा सॉल्ट एक्टिविटीज हो रही है वहां पर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट वन, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, जो बायोडाइवर्सिटी है एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी सपोर्ट करती है, किस किस वे में, आंसर है सॉइल फॉर्मेशन यस, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन यस, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए ये जो इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कैसे सपोर्ट करती है, देखिए अगर सिंपल सी बात है सॉइल इरोजन होता रहा तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे होगा,
सॉइल इरोजन नहीं होगा तो खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी, फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी तो ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसके पास खाने का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही जो चारों रीजन है, सॉइल फॉर्मेशन अच्छी तरह होना ह्यूमन को बहुत ज्यादा मदद करता है सर्वाइवल में, तो चारों ही ऑप्शन जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 द आर द राइट आंसर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इनसीटू। देखिए इनसीटू का मतलब क्या होता है, उसी के पर्टिकुलर एरिया में कंजर्व करना इनसीटू कहलाता है। जैसे एक यहाँ पर शेर है मान लीजिए, इसको मैं दूर ले जाके कहीं पर जू बना दे रहा हूँ या कोई चीज बना रहा हूँ, तो वो एक्सीसीटू कंजर्वेशन हो गया। मतलब उस पर्टिकुलर स्पीसीज को दूसरी जगह ले जाके कंजर्व करना एक्सीसीटू हो गया, उसी के एरिया में कंजर्व करना इनसीटू हो गया। तो इसमें से इनसीटू कौन सा नहीं है, सिंपल सी बात है, आंसर है हमारा बी। बॉटनिकल गार्डन तो आप जिस एरिया में हो अपने एरिया में लगा सकते हो एक पर्टिकुलर सर्वाइवल कंडीशन के बेसिस पे, और जू जू भी आप क्या कर सकते हो अपने घर के बगल पे ही हो सकता है, मतलब ठीक है। तो ये एक्सीसीटू कंजर्वेशन होते हैं, बॉटनिकल गार्डन ये हो गया या जू हो गया, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं इनसीटू कंजर्वेशन होते हैं। क्यों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप फिक्स नहीं कर सकते हो, अगर यहाँ पर एलिफेंट रहते हैं तो रहते हैं, उन एलिफेंट को दूसरी जगह आप शिफ्ट नहीं कर सकते पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, हैबिटाट के साथ उनके। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनसीटू कंजर्वेशन है, बाकी बॉटनिकल गार्डन और जू जो होता है एक्सीसीटू कंजर्वेशन देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक चीज दी है, 2004 में सुनामी आती है। देखिए 2004 की जो सुनामी आ रही है इंडियन ओशन में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरा हमने एक क्रैश कोर्स बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट में, कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पे, वो यूपीएससी लेवल का है, आप यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस में भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट 2004 की जो इंडियन ओशन में सुनामी आई, तो उसके बेसिस पे डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम बनती हैं भारत में, पूरे वर्ल्ड में ये बनाई जाती हैं कि किस तरह से अगर पूरी दुनिया भर में आपदाएं आती हैं तो कैसे बचा जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स कैन सर्व एज रिलायबल सेफ्टी हैज अगेंस्ट द कोस्टल कैलामिटीज। जब 2004 की सुनामी आती है तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि जो मैंग्रोव्स हैं वो बहुत ज्यादा जो कोस्टल एरिया में इतना ज्यादा इरोजन हो रहा था उसको बचा रहे थे, मतलब यानी कि मैंग्रोव की हम कह सकते हैं कि जड़ें इतनी नीचे हैं, इतनी रूटेड हैं कि वो बहुत तेजी से अगर कितना भी स्ट्रॉमी कंडीशन आ जाए तो वो निकलती नहीं है। तो हाउ डू मैंग्रोव्स फंक्शन एज ए सेफ्टी हैज, कैसे मैंग्रोव जो है सेफ्टी हैज की तरह काम करते हैं ये हमें बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जैसे मैंने अभी कहा द मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट, बहुत अंदर तक उनकी जड़ें होती हैं तो इतना ज्यादा स्टॉर्म आ जाए टाइड्स आ जाए तो वो उखड़ती नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट वन द रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है वो पब्लिश करते हैं IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कंटेन लिस्ट ऑफ, किस कौन सी लिस्ट कंटेन करते हैं हमें ये बताना है, ठीक है, रेड लिस्ट है जो है। आंसर है हमारा बी, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज की ही जो है लिस्ट कंटेन करती है रेड डाटा बुक, प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज की, थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीसीज की, ठीक है। तो आंसर है बी। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड। पहला ये बोल रहा है जो बायोडाइवर्सिटी है वो लोअर लैटिट्यूड में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड। सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो ज्यादा होती है लोअर लैटिट्यूड में। बिकॉज क्या इसके पीछे कारण है, क्योंकि देखिए लो लैटिट्यूड में, लोअर लैटिट्यूड में अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर चीजें हैं वो सर्वाइवल, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज लोअर लैटिट्यूड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जहां थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां ज्यादा सर्वाइव करती हैं। पर हायर लैटिट्यूड में ऐसा क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉलरेंस वाला टेम्परेचर नहीं रहता है कि टॉलरेंट हो पाए सर्वाइव कर पाए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा अलोंग द, ये पहला ऑप्शन टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है, दूसरा अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी, सेम चीज है, दूसरा ऑप्शन भी सेम है, लोअर लैटिट्यूड में जो माउंटेन ग्रेडियंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड। तो हाई रेंज में जो स्पीसीज होती हैं हायर लैटिट्यूड में, हायर एल्टीट्यूड में सॉरी,
लैटिट्यूड नहीं, हायर एल्टीट्यूड मतलब हाइट के बेसिस पर, ठीक है। ये माउंटेन का यहाँ पर एल्टीट्यूड और यहाँ पर एक ये पॉइंट एल्टीट्यूड। तो हायर एल्टीट्यूड में कम स्पीसीज देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू लोअर लैटिट्यूड। वही यहीं पर सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा सर्वाइव हमारे लोअर लैटिट्यूड में, सॉरी एल्टीट्यूड में करते हैं। ये लैटिट्यूड निकल रहा है बार बार, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का देखिए, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ये अर्थ है, यहाँ पर से हमारा इक्वेटर सबसे बड़ा, और ये लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। ये ऊपर ऊपर को टेम्परेट जोन वाले लैटिट्यूड, ये ट्रॉपिकल हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हो गया, ये टेम्परेट, तो ये लैटिट्यूड होते हैं ऐसे। एल्टीट्यूड हो गया हाइट, पर्टिकुलर हाइट के बेसिस पर, दोनों में ही टेम्परेचर प्रिवेल करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट। कुछ इंडिया के बेसिस पे कुछ एक्ट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। और विच ऑफ द एक्ट हैव रेलिवेंस टू बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा एक्ट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बना हुआ है। पहला, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, यस। 1957 का माइनिंग और मिनरल डेवलपमेंट खदान वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल कैसे होता है। जैसे कोई स्पीसीज है प्लांट की, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल उसकी वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जा रही है इलीगली भी, तो इसको कंट्रोल करता है ये 1947 वाला एक्ट है। माइनिंग में जो खदानें खदान की जाती हैं, कुछ स्पीसीज को नुकसान होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। कस्टम एक्ट भी है, कौन सी चीज़ आनी चाहिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी है। तो तीनों ही ऑप्शन, चारों ही यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट वन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर, में कैसे हेल्प करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कैसे हेल्प करती हैं। सिंपल सी बात है, NBA बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, तो कैसे हेल्प करेगी। NBA चेक करती है बायोपायरेसी को और प्रोटेक्ट करती है इंडिजिनियस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को। ऑप्शन पहला सही है। दूसरा, NBA डायरेक्टली मॉनिटर करती है और सुपरवाइज करती है साइंटिफिक रिसर्च को, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए, अगर सपोज कोई स्पीसीज ढूंढ लेता है और उस स्पीसीज से कोई मेडिसिन बना रहा है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको रजिस्टर करा सकता है कि वो खुद उसकी बुद्धिमता से बनाई गई चीज है, तो मतलब उसका अधिकार है उसमें। कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA। अगर आपको IPR रजिस्टर कराना है जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, तो वो नहीं हो सकता जब तक NBA की अप्रूवल नहीं मिल पाए। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 1, 2, 3 आर द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 वॉज इनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। NGT जो है, देखिए NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 है, तो वो क्या करेगी आपके लाइफ को, सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन होता है, पटाखे जलते हैं, तो NGT की आती है। पटाखे क्या करेंगे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। लाइफ किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21, नो डाउट, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा ए हमारा, आंसर क्या हो जाएगा ए, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट वन, इफ नेशनल वाटर मिशन, अगर नेशनल वाटर मिशन प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो ये हमारे देश को कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर नेशनल वाटर मिशन इंप्लीमेंट कर दिया जाए कंप्लीटली और प्रॉपरली, तो ये हमारे देश को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो ये हमें बताना है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट हैं, एब्सोल्यूट पॉइंट हैं, कि अचानक से बढ़ा देगा या अचानक से पूरी तरह घटा देगा, तो ऐसे जो ऑप्शन होते हैं उनको डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर देना। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट एनालाइज वाले होते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। यस, सही हो सकता है कि कुछ वाटर जो है वो वेस्ट वाटर के थ्रू रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज विद इनएडिक्वेट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर विल बी मेट बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। या कुछ अडॉप्ट करके अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का वाटर को बचाया जा सकता है, दैट अलाउ फॉर द यूज ऑफ ओशन वाटर के लिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। एक तरह से सिंपल ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरिया विल बी मेट थ्रू, जो अर्बन एरियाज के लिए जो जरूरी पानी है वो वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके पूरा हो सकता है। तो ये दोनों सिंपल सा स्टेटमेंट हैं, तो ये यस, ये राइट हो सकते हैं। बट तीसरा क्या है, देखिए, ऑल द रिवर ऑफ हिमालयन रीजन विल बी लिंक्ड टू द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जितनी हिमालयन रिवर ओरिजन है वो पेनिनसुलर इंडिया से
मर्ज कर रहे हैं। तो ये कोई ऑप्शन देखिए एक्सट्रीम लग रहा है कि जितनी भी नदियां हैं उन सबको मर्ज करेंगे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चौथा, द एक्सपेंसेस ऑफ इनकर्ड बाय फार्मर फॉर डिगिंग बोरवेल्स एंड फॉर इंस्टॉलिंग मोटर्स एंड पंप सेट टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर विल बी कंप्लीटली रीइंबर्समेंट। देखिए कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसको सही कर देंगे। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल एक्सट्रीम है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे तीसरे और चौथे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट वन, बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। बायोमास गैसिफिकेशन यानी कि बायो, जो भी बायोमास होता है, कार्बन कंटेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनसे गैस बनाना एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये हमें बताया, पूछा जा रहा है। पहला, कोकोनट सेल्स, ग्राउंड नट सेल्स और राइस हस्क जो है वो बायोमास गैसिफिकेशन की तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीज हैं, तो इनसे गैस बनाई जा सकती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, द कंबस्टाइल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कंजिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। देखिए ये ऑब्सोल्यूट टर्म हो गया, तो ये पर्टिकुलर गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं करता, इसमें आपको देखने को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड पॉसिबली, और मीथेन भी हमें देखने को मिलता है। तो सिर्फ दो ही चीजें नहीं है, तो स्टेटमेंट टू को हम रॉन्ग करते हैं। तीसरा पढ़ लेते हैं, फिर हो जाएगा आंसर हमारा सी। द कंबस्टाइल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबशन इंजन्स। तो डायरेक्टली हीट जनरेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है एज ए फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? जो आपको एनर्जी देता है, हीट देता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 एंड 3 आर द राइट आंसर्स। ओके, नेक्स्ट वन, द एसिडिफिकेशन ओशियन इज इंक्रीजिंग। देखिए ओशन में जो एसिडिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि एच प्लस जो आयन्स हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। वाई इज दिस फिनोमिना कॉज ऑफ कंसर्न? अगर ओशन की एसिडिफिकेशन हुआ या ओशन में एसिडिटी बढ़ी, एसिडिक करेक्टर बढ़ा, तो ये एक कॉज का कारण क्यों है? पहला, द ग्रोथ एंड सर्वाइवर ऑफ कैल्सरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। बिल्कुल सही है। दूसरा, द ग्रोथ एंड सर्वाइवर ऑफ कोरल रीफ्स की जो है, एक तरह से आपकी पूरी कोरल रीफ, जनरली आप एक सिंपल टर्म में अगर बोलूँ तो इसको, वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, फर्दर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं इसको डिटेल में तो आप योजना मैगजीन देख सकते हैं हमारी। जो ग्रोथ है सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ एक हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कि पूरा हमारा नेचर बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट है, तो कोरल रीफ उसका इंडिकेटर होती है। अगर कोरल रीफ पूरे इन्वायरमेंट में सही है तो पूरा आगे का फर्दर जो इन्वायरमेंट होता है वो भी सही माना जाता है, तो वह भी इफेक्ट होगी। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव बीन फाइटोप्लैंक्टन, और ये भी इफेक्ट होंगे। क्लाउड सीडलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल बनने का कॉज भी है, ये भी इफेक्ट होंगे। तो यस, चारों ही चीजें सही हैं, क्योंकि ओशन से वेपर बन के जब ऊपर जाएंगे बादल, तो ये भी इफेक्ट होंगे, इम्पैक्ट होगा बादलों पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2, 3, 4, चारों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये टेम्परेचर को भी बढ़ा दे रही है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या एब्जॉर्ब करती है ये हमें बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एब्जॉर्ब करती है। आंसर है हमारा डी। आंसर क्या है हमारा? डी, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन का, IR, इंफ्रारेड पार्ट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया। कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है, बंदीपुर है, भीतरकनिका है, मानस है और सुंदरबन है। हमें बताना है इनमें से किसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। आंसर है 1, 3, 4, बंदीपुर, मानस और सुंदर। रुको, यहाँ पर बंदीपुर, मानस और सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो भीतरकनिका टाइगर रिजर्व नहीं है, तो जनरली ये भीतरकनिका, मैंगरू हवा भी हमने देखी। ठीक है, 1, 3, 4, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया भी कह सकते हो आप, ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, यस, बंदीपुर, मानस और सुंदरबन। ओके, नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जहां पर लोकल जो उसके बगल में रहने वाले पीपल हैं या कोई दूसरे पीपल को अलाउड नहीं है टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास का यूज करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, नेशनल पार्क। आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो होते हैं, लोकल पीपल आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क, लोकल पीपल्स आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास।
जो भी उस एरिया में बायोमास अवेलेबल है, तो लोकल पीपल उसको कलेक्ट नहीं करते हैं या उनको अलाउड नहीं होता है। जनरली नेशनल पार्क में भी बहुत ज्यादा अगर किसी को रिसर्च भी करनी है तो उसको भी परमिशन लेके आनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, की कौन सी कैटेगरी? आंसर है ए, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्कडियर, रेड पांडा और एशियाटिक व्हाइट एस। नेक्स्ट वन, द मिलीनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विसेज? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रोविजनिंग करना, सपोर्ट करना, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग, तो इसमें से कौन सी चीज है? कि प्रोडक्शन ऑफ फूड, ये है आंसर, मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि पूरी असेसमेंट कर सकते हैं, जहां पर सर्विसेज, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स, और एक सेंचुरो एक तरह का एनिमल है, तो इसके बेसिस में हमें बताना है कौन सा सही है। आंसर है हमारा ए, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ऑरिक्स जो है अडेप्ट टू लाइफ इन ए हॉट एंड एरिड एरियाज, यानी कि जहां पर बारिश कम आती है, वेयर एज चीरू इज अडेप्टेड टू लाइफ इन ए स्टेपी सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन। तो ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन क्या है हमारा ए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, के किस किस लिए उसको थ्रेट है? सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। अब हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग से ज्योग्राफिकल एरिया में बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट है। दूसरा, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन करना भी थ्रेट है, तोड़ देना। स्पीसीज ऑफ एलियन स्पीसीज का इन्वेजन भी ये बायोडाइवर्सिटी को हार्म करेगा। बट क्या अगर हम वेजिटेरियंस में जो प्रमोट करते हैं, इससे भी हमारी बायोडाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, थ्रेट में आती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1, 2, 3 आर द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 आर द करेक्ट आंसर। तो वेजिटेरियनिज्म जो है, एक तरह से आप तरह प्रमोट कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो इससे तो थ्रेट हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारा जो 4 है, डायरेक्टली हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी गई हैं, हमें बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द अबव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्टेरियन। कार्बन सिक्वेस्टेरियन आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो कार्बन है उसको रिमूव करना कौन कौन सी मेथड करती हैं। जनरली जो भी मेथड होती हैं वो जो भी हार्मफुल गैसेज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए ही बनी रहती हैं। तो कंटोर बंडिंग है, रिले क्रॉपिंग और जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब होता कोई खुदाई ना करना। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अगली जो क्रॉप है उसी में लगाएंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फसल काटी गई है वो न्यूट्रेंट फर्टिलाइजर की तरह काम करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2, 3 आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ एन ओशियन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय फॉर सम रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ एन ओशियन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ओशियन के कम्प्लीटली इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं फॉर सम रीजन, तो कुछ आंसर हमें बताने हैं। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहला, द ओशियन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, बिल्कुल सही है। द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, अगर फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जैसे अभी हमने कोरल रीफ के बारे में कहा था कि इंडिकेटर होते हैं पूरे इन्वायरमेंट का, वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वह भी जो है कार्बन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, एक तरह से प्लांट स्पीसीज आप कह सकते हैं इन्हें। और फूड चेन, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स को कोई खाएगा हर्बीवोरस चीज, तो फूड चेन को भी ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, पूरी फूड चेन खत्म हो सकती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद, द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ड्रास्टिकली, देखिए इतना ज़्यादा हल्का सा डिक्रीज कर सकती है डेंसिटी फाइटोप्लैंक्टन्स, बट डायरेक्टली बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट टर्म है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो कभी भी यूपीएससी में एक गांठ बांध लीजिए ये चीज, कि जो भी कंप्लीट एब्सोल्यूट टर्म में देखने को मिलता है कि डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा, वो पॉइंट हमेशा गलत होते हैं एज पर क्वेश्चन जो दिया हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, कार्बन सिंक कम करते हैं और फूड चेन को पूरी तरह एडवर्स इंपैक्ट कम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इम्प्रॉपर इंडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर और देयर पार्ट्स,
जो पुराने कंप्यूटर हैं, जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन टू इन्वायरमेंट एज ई वेस्ट, इनमें से कौन से ई वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं? आंसर है हमारा बी, 1, 2, 2, 3, 5 एंड 6 लेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट में फेरस और नॉन फेरस मेटल आता है, यानी कि जिसमें आयरन हो और जिसमें आयरन ना हो, ये दोनों ही इंक्लूड करते हैं। नॉन फेरस जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। देखिए कॉपर, इतनी वायरें होती हैं आपका जैसे लैपटॉप है, बहुत सारी जो कॉपर से वायर देखने को मिलती हैं, सिल्वर का यूज़ करते हैं, गोल्ड का, प्लेटिनियम का, नॉट प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये सभी ई वेस्ट आती हैं। आंसर है हमारा बी, एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा फेरस किस में है और नॉन फेरस किस में है। तो आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे फूड चेन होती है, सबसे पहले कौन किसको खाएगा ये बताते हैं। जैसे घास है, क्या है, घास, ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ओपर खाएगा, ग्रास ओपर को कौन खाएगा, चूहा खाएगा, रैट खाएगा, रैट को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, हॉक खा देगा। ठीक है, हॉक या बड़े बड़े वल्चर खा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फूड चेन होती है। तो फूड चेन अगर इनमें से एक भी जो सिस्टम है इकोसिस्टम से खत्म हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, तो पूरी फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमें बताना है फूड चेन के बेसिस में कुछ पॉइंट है, उनको बताने हैं। सबसे पहला, ए फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज फीड अपॉन ईच अदर। यस, पहला जैसे मैंने बताया कि कैसे एक दूसरे को फीड करते हैं। दूसरा ऑप्शन, फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। गलत है, विद इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज नहीं, वो तो पूरे में पाए जाते हैं। ए फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर। ए फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म को तो ये डिस्क्राइब नहीं करती है, जनरली मेजर मेजर चीजों को डिस्क्राइब करती है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, वन ओनली। आंसर क्या हो जाएगा, ए, वन ओनली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल्ड मैक्यू फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट में मिलता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तमिलनाडु में भी मिलता है, केरल में भी मिलता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई बाय ऑन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो द फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो द फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है इकोलॉजिकल नाइज। क्या है इकोलॉजिकल नाइज, मैं आपको बता दूं, इकोलॉजिकल नाइज का मतलब होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि कोई कैसे ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन कि उनको कितना डिस्ट्रीब्यूशन, कितना जो रिसोर्सेज हैं और कितने कॉम्पिटिटर हैं, उस बेसिस पे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको इकोलॉजिकल नाइज कहते हैं। यानी कि एक सपोज रैट मान के चलते हैं, एक स्नेक मान के चलते हैं, इनके पास खाने के रिसोर्सेज, जैसे इसके पास रैट है, इसके पास हमारे ग्रास होपर्स हैं। तो इकोलॉजिकल नाइज का मतलब यही होता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग पॉपुलेशन होती है, उनको कैसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं और कौन कौन उनके कॉम्पिटिटर हैं और उनके बेसिस पर वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एक वातावरण में, एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में, तो उसी को इकोलॉजिकल नाइज कहते हैं। तो वही बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनमें से कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है नॉट ओनली फिजिकल स्पेस, कि वो सिर्फ रैट इस इन्वायरमेंट में रह रहा है यही डिस्क्राइब नहीं करता बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो उनका फंक्शनल रोल क्या है किसी ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी में, वह भी डिस्क्राइब करता है। तो ये कौन डिस्क्राइब करता है, इकोलॉजिकल नाइज, कौन करता है, इकोलॉजिकल नाइज। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इनमें से कौन सा नेचुरली फाउंड होता है, बाकी सब होते हैं, एक स्पाइडर मंकी नहीं होता है। स्पाइडर मंकी आप सबको देखने को मिलता है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, स्पाइडर मंकी जो है हमें देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। पॉल्यूटेंट की तरह किसको कंसिडर किया जाता है, अभी मैगी का केस भी आया था, तो आर्सेनिक बहुत ज्यादा देखा जाता है और फ्लोराइड बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए, अगर पॉल्यूटेंट की ही बात की जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, कुछ पेयर दिए हैं, हमें बताना है कौन सा पेयर सही है, कौन सा पेयर सही नहीं है, यानी कि कौन किससे एसोसिएट है। तो आंसर है सिर्फ नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स से एसोसिएट है, जो कि मेघालय में है। बाकी जो लोकटक लेक है मणिपुर में है, और जो बरायल रेंज है वो आसाम में है। ठीक है, और जो नामदपा है नेशनल पार्क, और डफला हिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है,
वो अरुणाचल प्रदेश में है और ये अलग अलग एंटाइटीज हैं। तो ये सिर्फ हमें बता रहा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स जो कि मेघालय में है। ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है, बाकी दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आंसर है हमारा ए। इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस, जो ग्रासलैंड में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्यों, ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, वाटर लिमिट्स एंड फायर। आंसर है सी, आंसर है सी। ऐसा नहीं होगा कि इंसेक्ट एंड फंजाई की वजह से इस पर, लिमिटेड सनलाइट की वजह से, वाटर लिमिट्स एंड फायर की वजह से वो रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, कौन करेक्ट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला हमारा आंसर है डी, सबसे पहले ओशियन है, फिर मैंग्रोव है, लेक्स एंड ग्रासलैंड। आप सबको प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ओशियन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा स्पीसीज लार्ज है, मैंग्रोव में उससे कम, और ग्रासलैंड की आप बात करें सिर्फ ग्रासेस से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ग्रासलैंड जो एरियाज होते हैं जहां पर वेजिटेशन डोमिनेट करती है, और दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन है। अभी जैसे हमने पढ़ा, इससे पहला क्वेश्चन देखो, ग्रासेज जो होती हैं वहां पर ग्रासलैंड में जो ट्री होते हैं वो आ नहीं पाते हैं, रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये वेजिटेशन को ही सपोर्ट करती है। दूसरी अगर बायोडाइवर्सिटी भी आने चाहे तो वो नहीं कर पाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। देखिए, फूड चेन इकोसिस्टम में जो फूड चेन है इनमें से कौन कौन से डिकम्पोजर कहलाते हैं? देखिए, फंजाई और बैक्टीरिया एक डिकम्पोजर हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। तो आंसर है टू एंड थ्री। देखिए, बैक्टीरिया और फंजाई हैं, दोनों को ही डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज करा जा सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे डेड और डिके वाले भी, वो ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा, फंजाई जो होते हैं प्राइमरीली डिकम्पोजर होते हैं, ये सिर्फ डिकम्पोज ही नहीं करते बट ये ऑर्गेनिक मैटर में पेनिट्रेट, बहुत अंदर तक जाते हैं और पूरी तरह डिसअपियर कर देते हैं। तो आंसर है हमारा टू एंड थ्री, टू एंड थ्री। वायरस एक डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं किया जाता है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है? देखिए, बहुत सिंपल है, फूड जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, जो कि एनर्जी फॉर्म करता है जिससे कि वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वन, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ अदर थ्री, इनमें से कौन एक दूसरे के क्लास में बिलोंग नहीं करता है? आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्रैब, क्योंकि माइट है, स्पाइडर और जो स्कॉर्पियन है वो आर्किनिड्स, किस कैटेगरी में? आर्किनिड्स कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जो क्रैब होता है वो बिलोंग करता है क्रस्टेशियंस से, किसे? क्रस्टेशियंस से। तो ये बायोलॉजिकल कैटेगरीज हैं, उनको भी एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन हम कह सकते हैं। आंसर है ए। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, सही। द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये तीनों जो कन्वेंशन है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बने हैं, बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे, या बायोडाइवर्सिटी से एसोसिएट हैं ये तीनों ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो आंसर है हमारा डी, वन टू थ्री। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग द अर्थ आवर। देखिए, अर्थ आवर क्या है जनरली? अर्थ आवर एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जिसमें कि हमारी जो प्लेनेट है, और ये जनरली ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, WWF द्वारा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है, पहले ऑप्शन को अगर मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो हमारे पास बचा ऑप्शन एक बी है, एक टू है। ठीक है, अर्थ आवर में नॉर्मली आपको बता देता हूँ, इसमें क्या करते हैं, दुनिया के पूरे जो लोग होते हैं वो एक दिन डिसाइड करते हैं, और बोला जाता है कि इस दिन पूरा जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं जनरली, वो एक घंटे के लिए अपनी जो अनयूजुअल एक्टिविटी हैं जैसे लाइट ऑफ कर देना, ये चीज़ें, नॉन एसेंशियल लाइट को एक घंटे के लिए बंद होता है, तो उसे अर्थ हावर कहते हैं या अर्थ आवर कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि इट इज़ ए मूवमेंट इन विद द पार्टिसिपेटेंट स्विच ऑफ द लाइट। इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं अपनी लाइट बंद करते हैं एक घंटे के लिए, फॉर ऑन ए सर्टेन डे एवरी ईयर, एक दिन पूरे एक साल में, ठीक है, हर साल में एक दिन ऐसा होता है। इट इज अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज, एक ये मूवमेंट है जिसमें कि क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस को बढ़ावा देना है, नीड टू सेव द प्लैनेट, हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है। आंसर हमारा सी, टू एंड थ्री।
नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फूड चेन के लिए? आंसर है हमारा ए, डायटम्स इसको खाते हैं, क्रस्टेशियंस को, फिर हेरिंग्स इनको खाते हैं। ठीक है, डायटम्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद का खाना बनाते हैं, क्रस्टेशियन हर्बोवोरस होते हैं जो डायटम को खाते हैं, और ये जो हेरिंग होते हैं वो क्रस्टेशियंस को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, अगर किसी वेटलैंड को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर लाते हैं, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है कि किसी एक वेटलैंड साइट को रजिस्टर करवाना, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है हमारा ए, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड एंड अकरिंग आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, इसके बेसिस पर अगर हम इसके बारे में पता होगा फैक्चुअल है तो हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा है। इट इज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, रॉन्ग है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आता। दूसरा, इट इज स्ट्राइव टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, यस ये रिसर्च शोध करता है, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस फैलाता है। दूसरा, इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचर ट्रेल्स और कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक के लिए बनाता है, आंसर है सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट देने हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, पहला ऑप्शन इसका आंसर सही है, इट सर्व एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन UNFCCC के लिए एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म पर्पज सर्व करता है, यानी कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म। देखिए, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या कोई अगर उनको प्रोग्राम चलाना होता है तो फाइनेंशियल जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, तो इसमें ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF यही फाइनेंशियल मैकेनिज्म का एक रोल निभाती है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन, सोलर पावर प्रोडक्शन करना है तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है और उसके बेसिस पर हमें कंसिडर करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है कि ये एसी और जो फोटोवोल्टिक जनरेट करता है अल्टरनेट करंट, और जो सोलर थर्मल जनरेट करता है डायरेक्टली करंट, ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि फोटोवोल्टिक सेल और सोलर थर्मल सेल जनरेट करता है डायरेक्टली करंट, वो डीसी जनरेट करता है ना कि अल्टरनेट करंट, तो दो को हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि फोटोवोल्टिक इज ए टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, वाइल सोलर थर्मल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूटिलाइज करती है सन की रेज ताकि हीट जनरेट कर सके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, कुछ पेयर बताए गए हैं, हमें बताना है कौन सा पेयर सही है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। पहला है देखिए, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, सरमती पीक नागालैंड, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यही फैक्चुअल है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में और सरमती पीक नागालैंड में। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा टू ओनली, इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए, धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, हम कर रहे हैं 1995 से 2018 तक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेक्शन रहेगा साइंस एंड टेक। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज चल रहे हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन, पोचिंग के अलावा व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन। देखिए, पोचिंग तो कर रहे हैं, बहुत सारे मछुआरे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, बट दूसरे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से जो गंगा रिवर की डॉल्फिन है वो कम हो रही है। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेज ऑन रिवर्स, यस नदियों में डैम बनने के कारण और बैरेज बनने के कारण डॉल्फिन जो है सर्वाइवल नहीं कर पा रही हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, तो एक रीजन ये है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर, ये एक जो है हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट रॉन्ग स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है, देखिए एक तरह से किसी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, बट क्रोकोडाइल यहाँ पर एक रीजन नहीं है कि गंगा रिवर में डॉल्फिन की कमी हो रही है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी।
देखिए, गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट, यस, यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर का भी यूज करना एक पॉसिबल रीजन है डिक्लाइन के लिए. ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट आर यूज इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक मैट्रेसेज एंड अपहोलस्ट्री. वाई इज देयर सम कंसर्न अबाउट देयर यूज, क्यों ब्रोमिनेटेड फ्लेम का यूज नहीं करते हैं और इसके पीछे कारण क्या है? पहला, दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट. यस, ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं. अगर ये डिग्रेडेड नहीं होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ नहीं पाते हैं और बहुत लंबे सालों तक ये जमीन पर रहते हैं, जो कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं. दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन द ह्यूमन एंड एनिमल में एक्यूमुलेट होने का इनके पास एबिलिटी होती है. तो आंसर है बी, बोथ, सी, बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग, बैट्स हैं, बियर्स एंड रोडेंट हैं. द फिनोमिना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल. तो इनमें से हाइबरनेशन जो होता है वो किस ऑर्गेनिज्म में है? हाइबरनेशन जनरली एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी आप कह सकते हैं, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को हाइबरनेशन कहते हैं. तो आंसर हो जाएगा बैट्स, रियर एंड रोडेंट, तीनों में ही ये करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन प्लैनेट अर्थ. इनमें से कौन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है कार्बन सप्लाई? सेम क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन. देखिए, यूपीएससी में ये रिपीट क्वेश्चन दिया गया है. तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस 120 बिलियन टन पर साल में कार्बन जो होता है वो रिमूव करता है. तो बाकी आंसर हो जाएगा इसका सी, 1, 2, 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन ई एस जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. सबसे पहला, इको सेंसिटिव जोन आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. गलत है, ये 1986 के बेसिस पे था. तो पहला ऑप्शन गॉल. सेकंड, द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. यस, इको सेंसिटिव जोन सभी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर के अलावा. ठीक है, तो यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर है 2 ओनली. नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1962 में. कब हुआ था? 1962 में. तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है. पहला ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्या मिलता है देखते हैं. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टेचुरी बॉडी है, यस. नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एक चेयर्ड करता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा. आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा? बी. विच ऑफ द फॉलोइंग है कोरल रीफ. इनमें से कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोरल रीफ किस किस की है और कौन कौन करता है? अंडमान निकोबार में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है. यस, आंसर हो जाएगा ए, सुंदरबन में नहीं होता है. सुंदरबन डू नॉट हैव कोरल रीफ्स. नेक्स्ट वन, इन इंडिया द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. भारत में सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है किस किस से एसोसिएट है ये हमें बताना है. आंसर है टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन या ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो टेरेस कल्टीवेशन से सॉइल इरोजन नहीं होता, क्योंकि एक मेथड है जिससे सॉइल इरोजन को कंजर्व किया जा सकता है. बट डिफॉरेस्टेशन एक कॉज है जिससे सॉइल इरोजन होता है. तो आंसर है बी, टू ओनली, बी टी ओनली. ठीक है, बट टेरेस कल्टीवेशन यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि टेरेस कल्टीवेशन तो सॉइल इरोजन को बचाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो ऐसा कौन सा चीज है? आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश किया था अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं विथ ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस के साथ साथ. ओके, द साइंटिफिक व्यू इन दैट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड. क्या अगर 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, जो भी एक्सट्रीम पॉइंट है उनको हमने एलिमिनेट करना है. तो सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स. यस, हो सकता है. वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी हो सकती है, कोरल जो रीफ होती हैं वो मर सकती हैं. ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर. यस, 3 डिग्री सेल्सियस में हम यह तो कह सकते हैं
ये पूरी इनवर्स रिवर्स कर देगा कार्बन साइकिल को, CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो, और ज्यादा एमिट करने लग जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस, 3 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा साइंटिफिक व्यू है ये, एक एग्जिस्टिंग नहीं साइंटिफिक व्यू ऐसा कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। लाइकन्स विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन ए बेयर रॉक आर एक्चुअली सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ। लाइकन्स जो है एक इनिशिएट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इवन एक पत्थर में भी जहां पर कोई नमी भी ना हो, जहां पर कोई मिट्टी भी ना हो, फिर भी लाइकन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये किसके किसके बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन है ये हमें बताना है। आंसर हमारा बी, एल्गी एंड फंजाई। आंसर क्या है? बी, एल्गी एंड फंजाई। देखिए ऑर्गेनिज्म में जो लाइकन्स हैं, क्लोरोफिल, देखिए देखिए इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स जो होते हैं, एक एल्जी और फंजाई का एक सिम्बियोटिक रिलेशन है जिसमें कि एक दूसरे को वो म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं। यानी कि जो है फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी को। जो फंजाई है वो क्या करता है, शेल्टर देगा, पानी देगा, मिनरल्स देंगे जो भी एल्गी को नीड है। वहीं एल्गी इन रिटर्न क्या करता है, फूड प्रिपेयर करके देता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। किसको? फंजाई को। बहुत सिंपल है, ये एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। कौन कौन से पॉल्यूटेंट स्टील इंडस्ट्री जो है रिलीज करती है भारत में? सबसे पहला सल्फर के ऑक्साइड, यस। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यस। मोनोऑक्साइड, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO और CO2 दोनों ही क्या होता है, ये चारों ही ऑप्शन जो है सही हैं बिल्कुल। स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, इंपोर्टेंट पॉल्यूटेंट को रिलीज करती है। एवरी ईयर ए मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विस सर्टेन कम्युनिटी। एक ट्राइब के बारे में पूछ रहा है कि इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट कैंपेन चलाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सच कम्युनिटी ट्राइब, इसमें जो ऐसी कौन सी ट्राइब है? आंसर है बी, गोंड ट्राइब और कोरकू ट्राइब। कौन सी ट्राइब? गोंड ट्राइब और कोरकू ट्राइब आंसर है। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मीथेन। देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे कोल बेड मीथेन है और शेल गैस है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट बताने हैं। कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके से चली आ रही है, नॉन कन्वेंशनल जनरली जो ट्रेडिशनल तरीके से यूज नहीं होती है। जैसे कोल बेड मीथेन है, आप घर पे खाना बना रहे हैं तो कोल बेड मीथेन का या सेल गैस का तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आप एक LPG का यूज करेंगे। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, कोल बेड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स। बिल्कुल सही है, कोल बेड मीथेन एक प्योर मीथेन गैस होती है, तो जनरली दूसरा जो अमाउंट होता है दूसरी गैस का इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। वाइल जो सेल गैस है एक मिक्सचर होता है प्रोपेन का और ब्यूटेन का, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स से निकाला जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। बिल्कुल सही है, शेल गैस हमें USA में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक। इसमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें कि ये क्लाइमेट वेरी करता है? आंसर है डी, नमदपाह नेशनल पार्क। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक रीजन वेरी करने वाले चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय द। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? डायरेक्ट आंसर है, आंसर है डी, वर्ल्ड बैंक। डी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी यानी कि FCPF, FCPF के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, बिजनेसमैन की, सिविल सोसाइटी की और इंडिजिनियस पीपल की। यस, बिल्कुल सही है, ये फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप है जिसमें कि गवर्नमेंट आती है, सरकार आती है, बिजनेसमैन आते हैं, सिविल सोसाइटी आती है और इंडिजिनियस सोसाइटी आती है, जहां पर इनका मेन एम यही रहता है कि इमिशन को कैसे कम किया जाए जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, कैसे डिफॉरेस्टेशन की हेल्प से या फॉरेस्ट को लगा के। ठीक है, तो यस, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है।
दूसरा ये ऑप्शन गलत है इसमें, तीसरा ऑप्शन सही है, इट असिस्ट द कंट्रीज इन दियर रेड, यानी कि रेड प्लस यानी कि होता है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखिए आपको क्या करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, आपको क्या करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, आपको बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, तो इस वजह से ये जितना भी कंट्री का अफॉरेस्टेशन होता है मतलब रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विद द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। अब क्या होता है, बहुत सारे जो ये फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी में जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वो फंड भी देती हैं कभी कभी डेवलपिंग कंट्रीज को, कि आप क्या कीजिए हमसे टेक्नोलॉजी लीजिए और इमिशन जो आप पर्टिकुलर आपको डेवलपमेंट तो करना है बट टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो पॉल्यूशन कम होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 सी 1 एंड 3। नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल नॉन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी कि BI के रिस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली, नहीं ये इस ऑर्गेनाइजेशन से इमर्ज नहीं हुआ है। तीसरा, इट आइडेंटिफाई द साइट नॉन रिफर्ड टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, यस ये IBBA साइट को भी आइडेंटिफाई करता है। आंसर है 1 एंड 3 सी, आंसर क्या है 1 एंड 3। नेक्स्ट है, इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक डोमिनेंट स्पीसीज, इनमें से टीक जो फॉरेस्ट है वो डोमिनेंट है मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टीक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ऐसा कौन सा है। आंसर है हमारा ए, क्योंकि ए जो ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिएट करते हैं टीक फॉरेस्ट के लिए, तो आंसर है यही, इसलिए इनका डोमिनेंस होता है, आंसर है ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए एक सबसे बेस्ट टर्म कौन है यहाँ पर कि सबसे अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रहा है ये टर्म। आंसर है ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और इसी तरह फूड चेन भी चलती है, आंसर है ए। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, यानी कि IREDA, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है IREDA के बारे में। पहला, इट इज ए पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, बिल्कुल सही है। इट इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, यानी कि NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जनरली नॉन बैंकिंग कौन सा होती है, लोन नहीं दे पाते हैं, ये चीजें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है। आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बींग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रिच बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बींग ए स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया है, ये किस नेशनल पार्क के बारे में है। आंसर है बी, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। देखिए ये लमजाओ इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आंसर है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, 40 किलोमीटर दूर है, एंड द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, ये ओनली फ्लोटिंग पार्क है पूरे विश्व में, तो आंसर है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ है मणिपुर में, कहाँ है मणिपुर। नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन IUCN एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स, देखिए जो कि है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा, देखिए बहुत ज़्यादा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं जो डिसअपियर होने वाली हैं तो उनका मेडिसिन यूज़ प्लांट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो साइट्स उसमें हेल्प करती है कि कोई ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, कोई इलीगल ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, तो इन दोनों के बेसिस पे हमें स्टेटमेंट बताने हैं कौन सा सही है। सबसे पहला, IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, देखिए IUCN एक यूनाइटेड नेशन का जो है ऑर्गन नहीं है, ये ऑब्जर्वर है और यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर कैटेगरी में रखा गया है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है, तो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूँ, तो हमारा डायरेक्ट आंसर पहुँच जाते हैं हम डायरेक्ट आंसर में, आंसर है बी। IUCN रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज एन नेचुरल इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, साइट्स जो कि इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव जॉइंट इट, देखिए साइट्स लीगली बाइंडिंग है तो क्या होगा, मतलब जो भी इलीगल तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए उनके लिए ये हार्मफुल
रहेगा, मतलब लीगली बाइंडिंग रहेगा, मतलब उनको जो ट्रेडिंग है रोकनी पड़ेगी उस गवर्नमेंट को जो भी इससे ज्वाइन है। तो आंसर है बी, टू एंड थ्री। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू डुगोंग। देखिए पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक मैमल है भारत में, इससे पहले आया था कि डुगोंग क्या है, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें पढ़ा है हमने डुगोंग क्या है, एक तरह का मैमल है, इसमें ये बोल दिया कि डुगोंग एक मैमल है जो कि भारत में पाया जाता है और उसके बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है। यस, ये एक हर्बीबोरस है, मरीन एनिमल, बिल्कुल सही। दूसरा, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, यह भी ऑप्शन सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, वन एंड थ्री, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, आंसर है गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा में मिलती है जनरली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इश्यू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंसेज, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा एसोसिएट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें कि ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो बताया गया है, ठीक है। ओके, यहां से क्वेश्चन है 2016 के, सबसे पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि टीब, TEEB, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सबसे पहले ये इनिशिएटिव है होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तीनों, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा है, इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्रॉइंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे बायोडाइवर्सिटी से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है और उसको किसके प्रिव्यू में रखना है ताकि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी ना हो, तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ऑप्शन है हमारा सी, टू एंड थ्री ओनली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ UNREED, जो डिफॉरेस्टेशन की हेल्प से हमें डिफॉरेस्टेशन को जो है बहुत कम करना है और लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा जो एमिशन है उसके लिए इनकरेज करना है कि एनकरेज आप एमिशन कम कीजिए, प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू। देखिए यूनाइटेड नेशन UNRED जो होगा ये अभी हमने देखा डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, एमिशन कम करना है, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यस, रिसाइलेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम यस, बट देखिए हमें ज़्यादा स्पेसिफिक देखना है, हालांकि ये पॉवर्टी रिडक्शन को भी इंक्लूड करता है, बट क्या पॉवर्टी रिडक्शन इसमें सही ऑप्शन है, ये पॉवर्टी ऑप्शन इसमें अभी के बेसिस पे इसको गलत कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हमने जानना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, वन एंड टू ओनली। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है उसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है, आंसर है हमारा ए, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यस आंसर है हमारा ए, ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है जिसमें कि मेजर किया जाता है कि कौन जो देश है सबसे ज्यादा एमिशन कर रहा है, कैसे इसको मैनेज किया जाए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG वॉज फर्स्ट प्रपोज इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम ग्रोथ ऑफ लिमिट से एसोसिएट है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030, यस ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा टू ओनली, बी है टू ओनली। नेक्स्ट वन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि UNCCD, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना जरूरी है। सबसे पहला, इट एम्स टू प्रमोट एफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, इट हैज स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशियन एंड नॉर्थ, देखिए स्पेशल फोकस तो ऐसा नहीं है, सभी कंट्री को यहाँ पर इक्वलिटी के बेसिस पर देखा जाता है, जहां पर डेजर्टिफिकेशन है जिसको नीड है उसको ज्यादा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म के बेसिस पर उसको ज्यादा फंड दिए जा सकते हैं, बट कोई स्पेशल या पर्टिकुलर फोकस नहीं दिया जाता है इन पे, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है और यहां पर दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमारा आंसर बच जाता है ए और सी, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच, यस बॉटम अप अप्रोच है जैसे इंडिया की है, इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल नीति आयोग की हम कह सकते हैं इन द कॉम्बेटिंग द डेजर्टिफिकेशन, यस
आंसर है 1 और 3 ओनली। पहले छोटे हिस्से से अप्रोच करते हैं, छोटे हिस्से में इंप्लीमेंट करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े हिस्सों में डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए चीजें करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से सबसे अच्छी तरह किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, ग्रीन इंडिया मिशन को। ग्रीन इंडिया मिशन जो है उसमें बेस्ट डिस्क्रिप्शन किसका है, पहला है, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर हम बताएंगे क्योंकि पहले जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तीसरा इसका आंसर है रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो ग्रीन इंडिया मिशन का यही एम हमें देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा सी, 3 ओनली। फॉरेस्ट कवर देखिए, एक सस्टेनेबल इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हर एक कंट्री में 33% का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो इसमें ये फॉरेस्ट कवर नहीं है, तो अभी भी इंडिया को इनहेंस करना है, रिस्टोर करना है फॉरेस्ट कवर को। आंसर है हमारा 3 ओनली। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल, किस किस में देखने को मिलता है। पहला सीलिंग फैंस में, इलेक्ट्रिक गीजर में, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप में, तो ये है आंसर डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, मैं किस किस को ऐड करते हैं वो हमें बताना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को एयर क्वालिटी इंडेक्स में ऐड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर देते हैं, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, 2, 3, 4 आर द राइट आंसर, 2, 3, 4 आर द राइट आंसर। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड नहीं करते हैं, आंसर है हमारा बी। आंसर क्या है हमारा, बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, यानी कि NGRBA के की फीचर क्या हैं। सबसे पहला, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यस, इट स्पेयर हेड द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट नेशनल लेवल, बिल्कुल सही है, 1 और 2 ऑप्शन सही है। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थ्रू विच ऑफ द गंगा फ्लोज बिकम द चेयरमैन ऑफ NGRE रोटेशन बेसिस, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन हम कह सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट को। तो आंसर है इसका NGRBA से एसोसिएट सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2। नेक्स्ट वन, गडगिल कमेटी, देखिए ये न्यूज में थी, बट एक तरह से ये कमेटी क्या है, स्टैटिक पोर्शन भी हम कह सकते हैं। गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी है, रिपोर्ट ये किसके लिए है, आंसर है हमारा वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 2 कमेटी बिठाई गई, और इसमें देखा गया कि कौन कैसे वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूनिक अबाउट खराई कैमल, ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया, खराई कैमल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, समुद्र के पानी में जो कि इतना ज्यादा सेलाइन होता है 3 किलोमीटर तक तैर सकता है, खराई कैमल सही है। इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, ये भी मैंग्रोव्स, अगर ये सुंदरवन में अगर डाल दिया जाए इसको तो ये सर्वाइव कर सकता है सिर्फ मैंग्रोव्स को ही खाके, तो 1 और 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1 और 2। तीसरा गलत है, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, इसको डोमेस्टिकेट पालतू नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन अवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर ए पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज ए स्टेट बटरफ्लाई, किसी एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई को, तितली को स्टेट बटरफ्लाई बनाया गया, कौन से स्टेट ने बनाया गया, आंसर डी महाराष्ट्र, आंसर डी महाराष्ट्र, प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली बनाया जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, किसमें आपको मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में ये हमें ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द टर्म एमस्ट्राइविज, ये एक स्टैटिक पोर्शन भी है, टाइगर रिजर्व को मेंटेन करने के लिए एमस्ट्राइव का यूज किया जाता है, मीजर भी इससे किया जाता है कि कितने लोग हैं, कितने टाइगर्स हैं, और इस तरह से कंजर्वेशन उनको कैसे दी जाए। इन इंडिया इफ ए स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, भारत में अगर किसी टॉर्टोइज की स्पीसीज को प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर रखा जाए, तो इसका मतलब क्या है। जनरली इसका मतलब होता है इट इंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, यानी कि अगर किसी को शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा जा रहा है, यानी कि जैसे कि टाइगर को जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है अगर कोई ह्यूमन पोच नहीं कर सकता, वैसे ही उसको टॉर्टोइस को भी मिलेगी, आंसर है ए। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन
एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ, उसको हंट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कुछ टर्म में, कुछ मतलब खास स्पेशल चीजों में होता है। तो आंसर है घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड बफेलो, तीनों को ही हंट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कुछ कुछ कंडीशन हो जाती हैं, जब खुद को प्रोटेक्ट करना हो इस बेसिस पे भी आप इनको हंट कर सकते हैं, वैसे नहीं। डायरेक्ट हंटिंग वर्ड आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि हंटिंग जनरली क्या होता है, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए उसको मारना हंटिंग कहलाएगा। तो आंसर है हमारा डी 1, 2, 3। नेक्स्ट है, इफ यू वांटेड टू सी घरियाल इन द नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, अगर हमें घरियाल देखने हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में जहां वो ऑलरेडी हैं, तो वो कहां देख सकते हैं, हमें चंबल रिवर, चंबल रिवर आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम इंपोर्टेंस इन बींग ए गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में कौन, आंसर हमारा ए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर है ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा, जनरली ये क्या करता है, जितने भी ये इंश्योर करता है कि जो ट्रेड है वाइल्ड प्लांट और एनिमल का वो थ्रेटनिंग में नहीं होना चाहिए, कि एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ नेचर को भी कंजर्व करना है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट ये ट्रैफिक जो है यूएनईपी के अंदर नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा बी ओनली, आंसर क्या हो जाएगा बी ओनली। नेक्स्ट है, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई व्हाट कुड बी लाइकली टू कॉन्सिक्वेंसेज, अगर तितलियों की जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे कम हो रही हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके बाद में रिजल्ट क्या क्या होंगे। सबसे पहला, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, यस बिल्कुल सही, पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन का मतलब एक तितली जो मेल फ्लावर पार्ट में बैठ के फीमेल फ्लावर में बैठती है तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं, तो पॉलिनेशन इंपैक्ट होगा, और इट कुड लेड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ द वेस्प स्पाइडर और बर्ड्स, यस बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा सी 1 एंड 3, सी 1 एंड 3। दूसरा ऑप्शन गलत है, देयर कुड बी ए ड्रास्टिक, देखिए ये एब्सोल्यूट टर्म है, ड्रास्टिक इंक्रीज कैसे हो सकता है, ठीक है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर, BOD किसके लिए है, आंसर है सी पॉल्यूशन, ऐसे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में पॉल्यूशन को असेसमेंट करना। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक के क्या क्या फायदे हैं, बायो रेमेडिएशन के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, इट इज ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन नेचर, यस नेचर में जो एग्जिस्ट करती है उसी से यूज करना, उसी के हेल्प से एनहेंस करना सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो डेड एंड डिकेइंग और ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको पूरी तरह कंज्यूम कर जाना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन फॉर बायो रेमेडिएशन के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से ऐसे ऐसे प्लांट बनाते हैं जो कि पेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियर से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बनाए जा सकते हैं जो कि बायो रेमेडिएशन में हेल्प करे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 1 एंड 3, आंसर क्या हो जाएगा सी 1 एंड 3। नेक्स्ट वन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्प्लीमेंटिंग इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक इमिशन, यानी कि हमारे ह्यूमन द्वारा किए जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कैसे रिमूव किया जा सकता है, इतना ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो इसमें से कौन कौन से ऐसे रीजन है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम किया जा सकता है उसमें से, आंसर है तीनों ही सही हैं, अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, ड्यूप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वर, सबटेरेन डीप सेलाइन फॉर्मेशन, तो तीनों ही ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं हम अपने एटमोसफियर से। नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल, एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, बट What are likely limitation developing country in promoting this industry? तो आंसर है इसमें बी हमारा, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एलगी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्ट इज नेसेसिटी दैट सेटिंग अप ऑफ ए लार्ज स्केल फैसिलिटी विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न, आंसर है बी हमारा, ठीक है आंसर है हमारा बी। देखिए मेन, अगर कभी भी एलगी से अगर बायोफ्यूल चाहिए तो इंडिया को एज ए कंट्री डेवलपिंग नेशन उसको टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तो आंसर हमारा बी 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस यानी कि GCCA, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, यस सही है। ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इन टू दियर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट, यस ये फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट देता है। आंसर है हमारा ए, वन एंड टू ओनली, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इन ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। दूसरा द CCA फोकस ऑन मीथेन, जो CCA है यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन फोकस करता है मीथेन में, ब्लैक कार्बन में और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में। तो ऑप्शन है हमारा टू ओनली, ऑप्शन है हमारा टू ओनली, ठीक है। तो ये G20 ग्रुप का इनिशिएटिव नहीं है, आंसर है हमारा बी, टू ओनली, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर, जनरली तो जो कोरल रीफ्स हैं ट्रॉपिकल वाटर में ही देखने को मिलती है अगर हम मैप भी देखें तो। तीसरा है, कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यस दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन टू हमारा गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, वन एंड थ्री ओनली, ये गलत है। मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वन थर्ड ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में, पूरे दुनिया के एक तिहाई है, ये गलत है। तो आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोलर पावर प्रोडक्शन के बेसिस पर इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, गलत है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वाटर यूज इन द फोटोवोल्टिक यूनिट्स, गलत ऑप्शन दिया है। द सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बेसिस पर ही डिटरमाइन किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, नाइदर वन और नॉट टू। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन, कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है इनमें से? आंसर है हमारा ए, कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, प्लांट ग्रोथ को बढ़ाना ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड्स, रिवर बेड्स डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, गलत है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर सही, लोवरिंग ऑफ वाटर ट्रेबल ये भी सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग, हैवी सैंड माइनिंग की जाए, ये सैंड निकाली जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है? सैलिनिटी डिक्रीज का तो कोई ऑप्शन यहां पर देखने को मिलता नहीं है। तो आंसर है टू एंड थ्री, आंसर है बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, पानी सूख चुका है ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। आंसर है हमारा अरल सी, आंसर क्या है अरल सी, वन ओनली। ये एक करंट का क्वेश्चन है बट अभी भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है इसलिए इसको इंक्लूड किया है। ओके 2018 में पूछा गया था वो, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि NGT डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB से कैसे अलग है? तो आंसर है टू ओनली, कैसे अलग है? द NGT प्रोवाइड इन्वायरमेंटल जस्टिस, यस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट। देखिए NGT में एक तरह से कोर्ट की तरह होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो जो हायर कोर्ट में बर्डन नहीं डालते हैं तो ज्यादातर केस यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। वेयर जो CPCB है प्रमोट करता है क्लीनिनेस स्ट्रीम्स एंड वेल्स, इंप्रूव करता है क्वालिटी एयर की पूरे देश में। तो आंसर है बी टू ओनली, आंसर है बी टू ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें बताना है कौन सा सही है। जो डेफिनेशन है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की वो 2006 के एक्ट में है, बिल्कुल सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगैस हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स, यस यह भी ऑप्शन सही है, आंसर है हमारा ए, आंसर क्या है हमारा ए। यहां पर तीसरा ऑप्शन हमारा डायरेक्टली गलत है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, इनमें से कौन सी जगह पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? हमारा आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश, ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी यानी कि पेज के बारे में बताना है। एक यूनाइटेड नेशन का मैकेनिज्म है टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्जेड एट, आंसर हमारा बी, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रिडियो जनरियो, आंसर है बी, आंसर क्या है बी। ओके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय, किसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है? आंसर है हमारा UNFCCC सेक्रेटरेट। तो ये हमारे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का भी पार्ट और लास्ट पार्ट खत्म हो चुका है। तो
ये पूरी वीडियोस में हमने पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट सब चीज़ क्लियर किया है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अच्छी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।